लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और किसी भी दल को अकेले पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है। मेरे साथ में सौरभ भारद्वाज है। सौरभ जी, इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी है वो भी खुशी मनाने की स्थिति में नहीं है, पर आप मुस्कुरा रहे हैं। हमारे यहाँ तो लड्डू बटे गए हैं। वजह देखिए, ये चुनाव संविधान को और देश को बचाने का चुनाव था, और अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिल जाता या इनकी 400 सीटें आ जाती, इस देश के अंदर चुनाव और संविधान दोनों खत्म हो जाते। इस बार जनता ने जो आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे आज 272 सीटें भी नहीं ले पाई, इनकी अपनी सरकार नहीं बन सकती। जो लोग गठबंधन को ठगबंधन कहते थे, गठबंधन का मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे गठबंधन की सरकार कमजोर सरकार है, गठबंधन की सरकार बैसाखियों वाली सरकार है, गठबंधन की सरकार में कौन प्रधानमंत्री किस साल बनेगा ये पता नहीं होता, आज उस गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों को एक एक सीट लाने वाली पार्टियों के पैर पढ़ने पड़ रहे हैं, फोन करने पड़ रहे हैं। टीडीपी और टीडीपी जेडीयू जो भी हैं, नीतीश कुमार साहब से मिलने इनके मंत्री डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है इनकी, इसका इससे पता चलता है इनको सिर्फ सत्ता चाहिए थी। और आज ये लोग, गठबंधन का मजाक उड़ाने वाले लोग, खुद गठबंधन बनाने के लिए व्याकुल हैं, और इनके दल इनसे बात नहीं करना चाह रहे, वो दूर दूर भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पार्टी ये कहती थी मोदी बनाम सारे, वो आज गठबंधन की बात कर रही है। प्रधानमंत्री को आज नैतिकता के ऊपर, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अयोध्या में जिसका दम ये पूरे देश में भरते थे, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का सांसदीय उम्मीदवार हार गया है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लोगों ने जिता दिया है। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री को लोगों ने रिजेक्ट किया है और उनको नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। जेडीयू और टीडीपी इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है, तो क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई बेस्ट डील है दोनों दलों के नेताओं की, और कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मेरे को बेस्ट डील नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी जो इंडिया गठबंधन की बताई जाती थी, आज वो सबसे बड़ी ताकत है। क्या कहते थे, इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज एनडीए के पास प्रधानमंत्री चेहरा फिक्स्ड है, होम मिनिस्टर कौन है फिक्स्ड है, रेलवे मिनिस्टर कौन है वो फिक्स्ड है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वो फिक्स्ड है, डिफेंस मिनिस्टर इनका फिक्स है। ये दे क्या सकते हैं किसी गठबंधन को? और इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, सब चीजों पे फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी मजबूत चीज मानी जाती थी, वो ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सबसे बड़ा हैंडीकैप हो जाएगी। और ये दोनों जो शख्सियत रहे, चंद्रबाबू नायडू 2019 में एक एक विपक्षी दल से मिले, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन करना चाहिए। नीतीश कुमार 2023 और 24 में एक एक विपक्षी नेता से मिले और उन्होंने कहा कि सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ इन दोनों ही नेताओं को इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बहुत खतरनाक है और इनके खिलाफ सारे दलों को एक साथ आना चाहिए। आपने कहा चुनाव में बगैर चेहरे के गए, ये दल अगर आपकी तरफ आ जाते हैं और इंडिया गठबंधन इस स्थिति में आ जाती है, सरकार बनती है, तो अब तो तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन रहेगा, और आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका भी रहेगी? वो देखिए, जब इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी इंडिया गठबंधन की, तो वहाँ पे सब लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। वो आज भी जरूरी नहीं है, वो पहले भी जरूरी नहीं था। जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इनकी ये जो गुंडागर्दी चल रही है, इनकी जो तानाशाही चल रही है, इनकी जो आरक्षण विरोधी मानसिकता है, इनकी जो संविधान के खिलाफ जो मानसिकता है, उसको रोकना पड़ेगा। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है कि जेल का जवाब वोट से, और खुद मुख्यमंत्री जब सभाओं में होते थे कहते थे कि आपका वोट तय करेगा कि मैं जेल में रहूंगा या बाहर रहूंगा, क्या लग रहा है कि उस अपील का कोई असर नहीं दिखा? 22 सीटों पे आप लड़े और 3 ही आती दिख रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इन 3 सीटों की इतनी खुशी है, इतनी खुशी हमें 22 की 22 सीटों पे भी ना होती अगर प्रधानमंत्री को 400 सीटें मिल जाती। आज भगवान दोबारा पूछें कि प्रधानमंत्री को 400 सीटें दे देते हैं तो मैं 22 दे देते हैं, हम कहेंगे नहीं भगवान, हमें 3 की जगह 2 कर दो, मगर इनको वहीं पर रखना। ये हम जो है भगवान से जो मांगते थे, हम और अरविंद जी जो मांगते थे, हमको भगवान ने दे दिया।
तो पॉलिटिक्स का ये भी एक रंग है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस बात से दुखी नहीं है कि उसकी सीटें उतनी नहीं है जितनी लड़ी थी, लेकिन इस बात से खुश है कि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। प्रीवियस कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।